है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज हम जानेंगे कोकोनट ऑयल की यूजेस के बारे में। तो काफ़ी सारा यूजेस है, सभी तो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे। हम कुछ इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करेंगे और मैं अगले कभी वीडियो पे और उसकी यूजेस बता दूंगी। तो आज कितनी है वो पहले जान लेते हैं। तो पहला जो इस्तेमाल है बात है सन प्रोटेक्शन। या मानती हूँ कि सन प्रोटेक्शन 90-100% तो नहीं करता है, बट एक स्टडी से पता चला है कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो 20% सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे सनस्क्रीन आते हैं 90% प्रोटेक्शन, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ 20% प्रोटेक्शन आपको ज़रूर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट थिंग है, यह आपकी डेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। कैसा रखेगा? ऑयल पुलिंग करना आप कोकोनट ऑयल से, तो उससे आपकी डेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। एंड हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो भी मतलब कोकोनट ऑयल जो है हेयर में इस्तेमाल कर रहे हो वो एडिबल भी हो, ताकि अच्छा है, आप उसे खा भी सकते हो, आप उसे लगा भी सकते हो और केमिकल फ्री होगा। क्योंकि आप खाने के चीज़ों में आपको तो वो केमिकल नहीं मिलाएंगे ना, तो आप ऐसे कोकोनट ऑयल लाना जो एडिबल भी हो और आप उसे हेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं चैनल पे कोकोनट ऑयल की रिव्यू कर चुकी हूँ और आप जाके उसको चेक कर सकते हो और आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग जो है कोकोनट ऑयल, अक्सर हमारे कहीं पर कट लग जाते हैं, कहीं पर घाव हो जाते हैं, तो उनको ना ठीक करने में कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट उनको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने से घाव जल्दी सूख जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मेडिसिन भी है। और गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, समर के लिए को हमारे बॉडी से स्वेटिंग होता है एंड हमको उससे स्मेल आता है। तो एक्चुअली बॉडी में स्वेटिंग से वजह से स्मेल नहीं आता, स्वेट का कोई स्मेल नहीं होता है। स्मेल कहाँ से आता है? उनमें जो बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं उनसे स्मेल आता है। बैक्टीरिया प्रॉपर्टी है तो ये आपके अच्छे डिओड्रेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन आप इससे डिओड्रेंट कैसे बनाएंगे, इसका बहुत सारा रेसिपी आपको ऑनलाइन मिल सकता है एंड आप उसे चेक कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट टिप के ऊपर, क्या है वो। आपकी कहीं पर हमें स्टेन लग जाते हैं, जैसे कारपेट फर्नीचर पे कई बार ना स्टेन्स आ जाते हैं, तो उनको भी उनको भी साफ करने में ना कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आप बेकिंग सोडा एंड कोकोनट ऑयल को मिला के जहाँ पर भी स्टेन आया है, मतलब फर्नीचर या कारपेट पे, वहाँ पर लगा लो एंड 5 मिनट्स तक वेट कर लो, फिर आप उसको वाइप कर लो और उससे साफ हो जाएगा आपकी फर्नीचर। तो सिर्फ स्टेन दूर करने में नहीं, कोकोनट ऑयल फर्नीचर्स की शाइनिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आप उससे पोछ सकते हो, उससे फर्नीचर बहुत साफ दिखता है, बहुत शाइन करता है। और कोकोनट ऑयल तो आपको हेयर को भी डैमेज से बहुत हेल्प करता है। ये तो हम सबको पता है कि कोकोनट ऑयल हम हेयर पे इस्तेमाल करते हैं कितना अच्छा होता है, वो आपकी हेयर को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। एंड कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है, तो आप उसे मॉइस्चराइजर की जगह पे भी इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। कोकोनट ऑयल की तो बहुत सारे यूजेस है जिसको हम धीरे धीरे वीडियोस में बात करेंगे। तो लेकिन आज के लिए तो वीडियो इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।